हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है, न्यू वैकेंसीज आउट हुई हैं विदाउट गेट पीएसयू जॉब होने वाली है। ठीक है, बीएमएल के बारे में, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बीएमएल के बारे में, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जब जारी किया गया था उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था। अब इसका फुल डिटेल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो उसके बारे में भी बताता हूँ। जैसे कि आप देख भी सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज हैं और मैंने थंबनेल पर भी लिख रखा है आपके विदाउट गेट वैकेंसीज हैं, इट मींस आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसीज हैं, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो, तो ध्यान से देखते रहना। और हैप्पी धनतेरस टू वन एंड ऑल, आप सभी फैमिली वालों को, आप सभी की फैमिली को भाई साहब हैप्पी धनतेरस। ठीक है, चलो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है दोस्त, देखो कुछ वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं जिसमें बीई बीटेक डिप्लोमा अलग अलग तरीके की आपका रिक्रूटमेंट है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनी ग्रेड टू, यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट 27 साल लिख रखी है। अब देखो यार स्पेशलाइजेशन तो बताना ही भूल गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अब यहाँ देखोगे पे स्केल आपका 40,000 से लेके 1,40,000 होने वाला है। ठीक है, और वैकेंसी भी देख सकते हो बी टेक की आपकी मैकेनिकल की आपकी वैकेंसीज हैं 13 और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज 3 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 4 हैं। और आपके बी टेक के एवरेज पूरा मार्क्स आपके 70% होने चाहिए। ठीक है, अगर 70% से नीचे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले हो, डेफिनेटली एलिजिबल नहीं होने वाले हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है जो आपका कैटेगरी वाइज रहता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब देखो आगे बताता हूँ मैं, और इसमें जनरल कंडीशन दे रखिए 6/11/2022, ये आपका एज लिमिट वहाँ से काउंट की जाएगी 6/11 से। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना, अगर 27 साल के हो रहे हो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में तो आप एलिजिबल हो, नहीं हो रहे हो तो क्या ही बताया जाए। ठीक है, और अब नीचे आओगे आपको यहाँ और भी चीज़ मेंशन कर रखी है। हाउ टू अप्लाई की बात बताऊँ, देखो ₹500 आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है, एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अबव ₹500। ठीक है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपकी जनरल वाले स्टूडेंट को भरना पड़ेगा। ठीक है, फीस। ठीक है, अब देखो नीचे आओगे तो आपकी लास्ट डेट कब होने वाली है, देखो यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 6 नवंबर से स्टार्ट होंगे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्टार्टेड ऑन 6/11/2022। ठीक है, तो टिल लिखा है मतलब इस तारीख तक रहने वाले हैं और आज से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप 6 नवंबर से पहले मेक श्योर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भर देना। और कुछ इसमें डिटेल में नहीं दे रखा है, फोटोग्राफ वगैरह आपका लगेगा, एप्लीकेशन के जो आपका पेपर होगा वो भी कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, बस आज में यही लिख रखा है कि आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यही मेंशन कर रखा है, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आपके 70% हैं या नहीं। ठीक है, जो कि आपके बीटेक के दौरान है, इतना ही सब कुछ मेंशन कर रखा है और बच्चा को जो डिटेल्स में पहले ही दे चुका हूँ। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज की भी बात कर लेता हूँ कि उसके बारे में क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी जो है, तो देखो दोस्त ये है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज हैं जिसमें आपकी एज लिमिट 27 साल होने वाली है एज लिमिट, और मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज हैं, और आपकी उससे एलाइड ब्रांचेज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई उसमें 13 वैकेंसीज हैं, सिविल में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 वैकेंसीज हैं, और डिग्री इन इंजीनियरिंग जो आपकी टेक्निकल सेफ्टी वाली है वो 1 वैकेंसीज है, और भी वैकेंसीज हैं इसमें, तो आप टोटल देख सकते हो, टोटल इसमें वैकेंसीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसमें। तो देखो 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है आपका, 3 साल फिक्स्ड टेन्योर है, और क्वालिफिकेशन इसमें 0 से लेकर 2 साल, यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि 0 भी लिख रखा है, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 2 साल का तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है दोस्त, अब देखो और भी नीचे दिखाऊँ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका 27 साल होने वाली है इसमें भी, और इसकी भी लास्ट डेट वाले दिन ही काउंट होगी। और देखो पहले साल आपको सैलरी मिलेगी 28,000, दूसरे साल 31,000, तीसरे साल 34,000। ठीक है, और मैं देखो पहले भी बता चुका हूँ आपको एक्सपीरियंस ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज का क्या फ़ायदा रहता है, देखो बेरोजगार से तो रोजगार ही भला कैसा भी हो। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें केवल और केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होने वाला है, कोई गेट वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा है, और लास्ट डेट आपकी 6/11 ही होने वाली है, और एज डेट वगैरह सब कुछ यहीं से काउंट होगी 6/11 से। ठीक है, अब अप्लाई फीस बता देता हूँ, इसमें भी आपकी अप्लाइंग फीस जो है वो ₹500 ही होने वाली है, बिल्कुल सेम डिक्टो जूनियर एग्जीक्यूटिव और जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी है दोनों का सेम ही होने वाला है, अलग अलग फीस मांग रखी है, मेरे को समझ में नहीं आता एक ही बार भरवा लेते, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते, किसी को इसमें ले लेते, पता नहीं, पर भाई साहब इनका अलग ही रहता है, फीस ज़्यादा ही मांगते हैं। और इसमें भी आपकी जो वो होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट पर जो परसेंटेज मांगे उसमें 60% मांगे, लेकिन जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी था वहाँ
70% मांग रखे हैं, बस यही माइनर सा डिफरेंस है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। इसमें सैलरी बता दी मैंने, और जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी है उसमें आपकी सैलरी होने वाली है 1 लाख प्लस, क्योंकि वो आपका गेट जैसा ही रिक्रूटमेंट है, बस गेट नहीं मांग रखा है उसमें। इसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, इसलिए पहले साल 28, दूसरी साल 31, तीसरी साल 34, तो 3,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, जो भी मैं आपको डिलीवर करना चाहता था पहुँच गया। देखो दोस्त यार, इस चैनल को आप अपनी चैनल समझ के ही आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपके लिए यूज़फुल डेटा चाहिए, वो मैं सब प्रोवाइड करता रहता हूँ। बहुत सारी तो मैं 8 ही लगा चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और भी तो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के जय हिंद जय भारत।